नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि क्लास 12th और क्लास 10th का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है, और क्या खास है एग्जाम को लेकर मैं उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, और इसका प्रभाव क्या झारखंड बोर्ड एग्जाम्स पर पड़ने वाला है उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लास 12th का जो एग्जाम है, ठीक है, उसके बारे में, क्लास 12th और 10th के एग्जाम के बारे में वेस्ट बंगाल के जो सीएम है माननीय ममता बनर्जी के द्वारा यह जानकारी आज शाम को दिया गया है। ठीक है, तो जो क्लास 12th का एग्जाम है दोस्तों वो जुलाई एंड में होगा। ठीक है, और क्लास 10th का जो एग्जाम है दोस्तों अगस्त के सेकेंड वीक में लिया जाएगा। ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्लान बी रखा गया था, ठीक है, प्लान बी के तहत क्या था कि एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो होम सेंटर में होगा। ठीक है, और प्लान बी के तहत जो एग्जाम का टाइमिंग होगा वो डेढ़ घंटे का होगा। कितना घंटे का होगा? डेढ़ घंटे का होगा। ठीक है, और डेढ़ घंटे में प्लान बी के तहत जो है ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा बंगाल के एग्जाम्स का न्यूज, क्लास 10th और 12th का एग्जाम। वहां तो दोस्तों आप देख सकते हैं 12th का एग्जाम को ही पहले लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स जो है इसके बाद अपना स्कोप जाते हैं कि उन्हें आईआईटी करना है, ठीक है, या फिर उन्हें डॉक्टरी में जाना है, जो भी अलग अलग लाइन उन्हें जाना है उसके लिए उन्हें जल्दी निर्णय करना पड़ता है और अलग अलग कॉलेजेस उसे चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए 12th का एग्जाम को वहां पहले लिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी अगर कोई अपडेट आती है जैसे आपको और भी जानकारी दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्या झारखंड बोर्ड के एग्जाम्स में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पढ़ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ दिनों से न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी मिल रहा है कि हमारे जो झारखंड के सीएम है माननीय हेमंत सोरेन जी, वो ज़्यादातर फेवर कर रहे हैं एग्जाम को लेने को लेकर। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम को लेने को लेकर ही विचार किया जा रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें कि एग्जाम सामने आ जाए और आपकी तैयारी कुछ भी ना हो। ठीक है, और आप लोग एग्जाम के लिए ही क्यों पढ़ोगे? ठीक है, क्या आपका जो पढ़ा हुआ है वो आगे काम नहीं आएगा? अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, वो पढ़ा हुआ चीज आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो जो आप इतिहास में पढ़ते हो, भूगोल में पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते हो, वो सारा चीज आपके आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी रहते हैं। तो इस आशा से कभी भी मत पढ़ना कि हमें केवल एग्जाम पास होने के लिए पढ़ना है, बल्कि इस आशा से पढ़ना कि हमें आगे भी कुछ करके दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो है अपने पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखिए, क्योंकि हमने एक मोटिवेशनल वीडियो में बताया था कि शिव जी का डमरू कभी भी बज सकता है। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों डमरू बज चुका है और वहाँ एग्जाम्स लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपना तैयारी को जारी रखिए और इस आशा से मत पढ़िए कि मुझे केवल एग्जाम के लिए पढ़ना है, इसलिए पढ़िए कि हमें आगे भी ये पढ़ाई को जारी रख के कुछ करके दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।